नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं न्यू 2024 होंडा हाइनेस सीवी 350 के बारे में। और आज मैं इसका एक फुल डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आपको पता चले होंडा जो है 2024 में हाइनेस सीवी 350 के ऊपर क्या कुछ फीचर्स ऑफर कर दिए, कितनी अपडेटेड ऑन रोड प्राइस है, कितना कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, कितने माइलेज आपको इस बाइक से मिल सकती है। उसी के साथ साथ 2024 में हाइनेस सीवी 350 में आपको कितना वेरिएंट ऑप्शन ऑफर किया जा रहा है, तो ए टू जेड डिटेल से इस वीडियो के दौरान मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू होंडा बिगुन नॉट कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप होंडा बिगुन नॉट कोलकाता में कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। बाकी चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस बाइक की से रूबारू कराना चाहूँगा। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट की देखने को मिलती है। नॉर्मल की है, कोई भी वेब की यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है, बट इस की का जो फंक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा लॉन्ग की आपको इसमें देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको होंडा का बैजिंग की के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बट इस की का फंक्शन जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे वेरिएंट ऑप्शन की अगर बात करें तो टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलती है। डिलक्स वेरिएंट, डिलक्स प्रो वेरिएंट और आपका डिलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट। डिलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट आपके सामने है, ये आपका टॉप एंड वेरिएंट। ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये है इसकी पर्ल नाइट स्टार ब्लैक। इसमें आपको टोटल 3 कलर देखने को मिलते हैं स्पेशली डिलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट पे, मैट मैसिव ग्रे मेटेलिक, पर्ल नाइट स्टार ब्लैक और आपका एथलेटिक ब्लू मेटेलिक। टोटल तीनों कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये आपका पूरा मेटेलिक कलर है। एक बार मैं आपको सामने से इस कलर को जो है दिखाना चाहूँगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो स्टिकरिंग वगैरह आपको दिख रहा होगा ये भी आपको पूरी मेटेलिक फिनिश में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो ये जो ब्लैक आप देख पा रहे हो इसमें आपको पर्ल इफेक्ट इस ब्लैक के ऊपर देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये कलर थोड़ा सा देखने में डिफरेंट लगती है, थोड़ा सा प्रीमियम लगती है, जहाँ पे आपको ग्लिटरी इफेक्ट जो इस कलर के अंदर आपको देखने को मिलती है। वैसे इसमें आपको एक लिमिटेड एडिशन भी देखने को मिलती है, जो आपका यहाँ पे लिगेसी एडिशन है जो 2023 में लॉन्च हुआ था। इसका भी डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे लाइव है, आप लोग अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, अब जरूर जाके लिगेसी एडिशन का वीडियो जो है चाहे तो चेकआउट कर सकते। एंड आप हाइनेस सीवी 350 को टोटल 4 वे में जो है खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक टूरर किट है, कंफर्ट किट है, उसी के साथ साथ एसयूवी किट है और कैफे रेसर किट है। तो ये टोटली आपका एक्सेसरीज का पार्ट है। तो नॉर्मल आप हाइनेस सीवी 350 की कोई भी वेरिएंट आप परचेस करके आप खुद से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। टूरर एडिशन और कंफर्ट एडिशन का डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे लाइव है, कैफे रेसर एडिशन का भी डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे लाइव है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी प्राइस की अगर बात करें तो जो डिलक्स वेरिएंट है यानी जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस है 2,45,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड कोलकाता प्राइस। अच्छा, अभी मैं आपको जो भी प्राइस बताने वाला हूँ विदाउट RS है, विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी। जो डिलक्स प्रो वेरिएंट है इसकी प्राइस है 2,49,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस। और ये जो आपका टॉप एंड वेरिएंट है डिलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट, इसकी प्राइस है लगभग 2,52,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड कोलकाता प्राइस। बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो चलिए एक बार मैं आपको इस की का फंक्शन दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो एक बार हैंडल लॉक कर देता हूँ। ओके, ये देखिए मैं हैंडल लॉक कर दिया। अभी आप इसको सेकेंड वे में लॉक कर सकते हो। कैसे? चाबी को बस थोड़ा सा जो है अंदर डालना है और इसको जो है ऐसे घुमा देना है। ऐसे अगर आप घुमा दिए ना, नेक्स्ट जिनको नहीं पता है, कोई भी अगर इसको लाइक हैंडल अनलॉक करने की कोशिश करेगा तो ये चाबी जो है अंदर तक जाएगा ही नहीं। सिर्फ आपको पता होगा इसको कैसे मतलब अनलॉक करना है। इसको दोबारा थोड़ा सा घुमा के इसको चाबी को पूरा डालना है, उसके बाद जो है आप इसको हैंडल को जो है अनलॉक कर सकते हो। बट जिनको नहीं पता है वो जो है इसको अनलॉक नहीं कर पाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे इग्निशन को ऑन करते हो इसकी जो हेडलाइट है वो आपको जलती हुई देखने को मिलेगी। तो कोई भी स्विचेबल हेडलाइट सेटअप इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड ऑल रिफ्लेक्टर LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है, ऊपर में इसकी लो बीम है, नीचे जो है इसकी हाई बीम है। और DRL के दौर पे आपको यहाँ पे ब्लिंकर्स में ही जो है ऑरेंज आपको राउंड शेप में DRL जलती हुई देखने को मिलेगी। एंड क्रोम फिनिश जो है इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं। मल्टीपल एक्सेसरीज है, विंडस्क्रीन वगैरह जो आप आफ्टर मार्केट या फिर एक्सेसरीज के दौरान जो है आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। इस बाइक में टोटल 3 एक्सेसरीज लगा हुआ है। इधर आपका क्रैश गार्ड दिख रहा होगा, ये क्रैश गार्ड एक्सेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे पीछे में ये जो आपको ग्रैब रेल और जो बैक रेस्ट दिख रहा होगा ये भी सिंगल पीस में है, मतलब ये जो बैक रेस्ट है उसी के साथ साथ जो ये जो ग्रैब रेल है ये आपका सिंगल पीस में है, ये भी आपका एक्सेसरीज का पार्ट है। एंड उसके साथ साथ ये जो नीचे में आई थिंक इसको साम गार्ड बोला जाता है, तो ये जो साम गार्ड आपको दिख रहा होगा ये भी आपका एक्सेसरीज का पार्ट है। तो लेग गार्ड का प्राइस है अराउंड 3,700 के आसपास विथ आपका लेबर चार्ज, इसका प्राइस मैं भूल गया था।
एंड इसकी जो बैक रेस्ट का प्राइस है लगभग 3400 रुपीज़ के आसपास जो है, आई थिंक इसकी बैक रेस्ट का प्राइस है। सामने में आपको मिलती है 41mm की टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, वो भी शोभा की तरफ से आपको देखने को मिलती है। फ्रंट जो फेंडर है आपका सिंगल पीस में है, पूरा क्रोम में दिया गया है और ये आपका स्पेशली डिलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट पे ही देखने को मिलेगा। 310mm फ्रंट डिस्क दिया गया है विद नेसिन कैलिपर डुअल चैनल ABS, इसमें आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलती है, कोई भी स्विचेबल ABS इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड जो फ्रंट टायर है इसमें आपको मिलते हैं 100x19 के अलॉय व्हील के साथ आपको इसमें ट्यूबलेस टायर दिया गया है। जो फ्रंट का जो अलॉय है ये आपका 19 की मिलती है। उसी के साथ साथ हाफ डुप्लेक्स क्रैडल फ्रेम इसमें यूज़ किया गया है। 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, प्रॉपर मेटल की आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिलती है और E20 फ्यूल डेफिनेटली आप इसमें डाल सकते हो। क्रोम फिनिश आपको इसमें भी दिया गया है। माइलेज की अगर बात करें तो आराम से आपको 40 KMPL की माइलेज ये बाइक सिटी में दे सकती है। आप अगर प्यार से चलाते हो आप बिलीव नहीं करोगे 45 KMPL प्लस माइलेज आप इस बाइक से निकाल पाओगे। काफ़ी सारा माइलेज टेस्ट की वीडियो ऑलरेडी आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा। इंजन की अगर बात करें तो ये आपका 348.36 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन सेटअप दिया गया, जहाँ पे आपको मिलते हैं 21.07 PS की मैक्स पावर और 30 Nm की मैक्स टॉर्क। 5-speed गियरबॉक्स है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच इसमें आपको देखने को मिलती है। प्रॉपर क्रोम में आपको यहाँ पे इसकी एग्जॉस्ट या फिर जो हेडर्स पाइप आपको दिख रहा होगा प्रॉपर क्रोम में दिया गया है। तो मैक्सिमम पार्ट जो इसमें आपको क्रोम देखने को मिलेगा। हाइनेस सीवी 350 की आपको इसमें 3D बैजिंग देखने को मिल जाएगी। साइड में जो अब पैनल देख पा रहे हो ये भी आपका प्रॉपर मेटल की है। होंडा का 3D बैजिंग आपको इसमें इंजन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। एंड हर एक चीज़ की क्वालिटी यहाँ पे आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलेगा, चाहे वो रियर ब्रेक लीवर हो या फिर आपका ये पिलियन के लिए फुट रेस्ट एक्सटेंडर हो या फिर जो फिट एंड फिनिश आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा ना, चाहे यहाँ पे होंडा का 3D बैजिंग हो जो टैंक के साइड पे दिया गया है पूरा क्रोम फिनिश के साथ, सबका क्वालिटी जो है आपको जस्ट नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड से तो कई गुना बेटर आपको यहाँ पे हर चीज़ जो है देखने को मिलती है। बट एग्जॉस्ट नोट चलिए मैं आपको एक बार सुना दे रहा हूँ, इसके एग्जॉस्ट नोट में ना काफ़ी ज़्यादा थंप है। नो डाउट एग्जॉस्ट नोट में काफ़ी ज़्यादा थंप आपको महसूस होगा। 166mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड सीट हाइट की अगर बात करें तो 800mm इस बाइक की सीट हाइट है। वेट की अगर बात करें तो 181 kg इस बाइक की वेट है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलती है, पूरा चॉकलेटी फिनिश में या फिर ब्राउन फिनिश में आप बोल सकते हो इसकी सीट कवर दिया गया है। और स्पेशली आपको डिलक्स प्रो क्रोम एंड डिलक्स प्रो वेरिएंट में आपको ये ब्राउन कलर में जो सीट कवर देखने को मिलती है। जो आपका डिलक्स वेरिएंट है जो आपका बेस मॉडल है आई थिंक उसमें आपको ब्लैक फिनिश में जो है वो सीट कवर देखने को मिलती है। बैक रेस्ट है जो आपका एक्सेसरीज का पार्ट है। उसी के साथ साथ पीछे में आपको मिलती है मल्टी स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर एंड सस्पेंशन कम्फर्ट जस्ट नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे आपको बॉक्स कटिंग स्विंगम दिख रहा होगा, इनफैक्ट जो स्विंगम का जो क्वालिटी है मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको इसमें अच्छा खासा क्वालिटी की स्विंगम देखने को मिलती है, लाइक दूसरा कोई भी आप अगर बॉक्स कटिंग स्विंगम से इसको कंपेयर करोगे तो इसमें आपको तगड़ा क्वालिटी डेफिनेटली मिलती है। 240 सेक्शन की रियर में डिस्क दिया गया है, वो भी निसिन कैलिपर के साथ डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड देखने को मिलती है। जो रियर टायर है इसमें आपको मिलती है 130x70 18 की अलॉय व्हील के साथ आपको इसमें ट्यूबलेस टायर देखने को मिलती है। MRF नाइलोगुड़ी ज़ैपर की टायर है। प्रॉपर क्रोम में आपको यहाँ पे रियर फेंडर देखने को मिलती है, ये आपका प्रॉपर मेटल की है। ओके, कोई भी फाइबर या फिर प्लास्टिक नहीं है, आपका प्रॉपर मेटल की है। पीछे में आपको मिलती है यहाँ पे LED टेल लाइट विथ LED ब्लिंकर्स। अच्छा, इसमें आपको हैजार्ड भी देखने को मिलते हैं। ओके, कंपनी फिटेड हैजार्ड भी इसमें आपको ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नंबर प्लेट का जो लाइट है वो भी आपको मिलती है LED और रिफ्लेक्टर आपको इसमें देखने को मिलती है। इस बाइक की टेस्ट राइड भी अवेलेबल है, या फिर आपको अगर होंडा बिगुइन की कोई भी बाइक की टेस्ट राइड चाहिए तो डेफिनेटली आपको वो टेस्ट राइड मिल जाएगी, चाहे वो CB350 RS हो या फिर यहाँ पे CB300F हो या फिर हाइनेस हो, सारा बाइक का टेस्ट राइड जो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। उसी के साथ साथ इसमें आपको ESS मिलती है। ESS क्या है? इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, मतलब आप अगर हाई स्पीड में कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पैनिक ब्रेक करते हो तो ऑटोमेटिक इसकी जो चारों इंडिकेटर है वो कुछ टाइम के लिए जो है ब्लिंक करने लग जाएगा, जैसे फोर व्हीलर में जो है वो इनबिल्ट आती है। बट
टू व्हीलर में जो है आपको बहुत ही लिमिटेड बाइक में देखने को मिलती है, स्पेशली होंडा की बाइक में देखने को मिलती है, वो भी लाइक इस प्राइस पॉइंट में। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजीज में आपको मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मिलती है फुल्ली ओपन चेन सेटअप, तो चेन को जो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। इधर आपका साड़ी गार्ड और लेडीज़ फुटरेस भी दिख रहा होगा, एंड प्रॉपर एल्युमिनियम की फुटरेस दिया गया है। मिडिल स्टैंड आपको इसमें मिलती है, तो मिडिल स्टैंड को लगा के आप इजीली इसकी चेन को जो है क्लीन या फिर ल्यूप कर सकते हो। साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर देखने को मिलती है। प्रॉपर टो शिफ्टर एंड हिल शिफ्टर दोनों शिफ्टर देखने को मिलती है। बेसिकली 5-speed गियरबॉक्स के साथ आती है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी है। एंड इसमें आपको मिलती है आपका होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल। बेसिकली ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है जिसको आप चाहे तो ऑफ ऑन कर सकते हो, ये अभी ऑन है। इसमें जो टर्न बाई टर्न नेविगेशन जो है वो आप वॉइस कमांड के थ्रू जो है हेलमेट में सुन सकते हो, या फिर आप कॉल वगैरह जो है पिक कर सकते हो, मैसेज को रीड कर सकते हो। तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, तो इंटरकॉम अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप उसको जो है एक्सेस कर पाओगे। सिंगल पीस में आपको इसमें हैंडल बार दिया गया, पूरा क्रोम फिनिश में आपको हैंडल बार देखने को मिलते हैं। होंडा की आपको इसमें बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इधर आपको मिलती है इंजन किल स्विच, ओके, इधर ही आपको स्टार्ट स्टॉप मिल जाती है। इधर आपका हैजार्ड स्विच आपको इसमें देखने को मिल जाती है, ओके। ये जो स्विच आप देख पा रहे हो, इस MID को कंट्रोल करने के लिए आपको इसमें स्विच दिया गया। हॉर्न इसमें ट्विन हॉर्न है, एक बार आप साउंड सुनिए, बहुत लाउड है, बहुत लाउड है। और होंडा बिगुइन का मैक्सिमम बाइक में आपको देखने को मिलेगा। हॉर्न और जो इंडिकेटर की जो स्विच है वो आपको डिफरेंट प्लेस में देखने को मिलती है। इधर आपका डिपर की स्विच, क्लच एक्सट्रीमली लाइट है, मतलब बहुत सॉफ्ट क्लच है बिकॉज ऑफ स्लिप एंड असिस्ट क्लच। प्रॉपर मेटल की बार दिया गया। मिरर भी आपको राउंड शेप में मिलती है, इसमें भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा मिरर पे। एंड कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलती है आपका स्पीडो डिटेल्स, यहाँ पे आपका बैटरी वोल्टेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, फ्यूल गेज, यहाँ पे आपका टाइम शो करता है। उसी के साथ साथ ये छोटा सा पोर्शन में आपको रेंज देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाइए। ये देखिए टोटल मतलब ओडोमीटर, ओके, यहाँ पे ट्रिप ए मीटर, ट्रिप बी मीटर, यहाँ पे आपका फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे ट्रिप ए में आपको एवरेज कितना मिल रहा है वो देखने को मिल जाएगा, रेंज मतलब डिस्टेंस टू MT वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट कोई किसी का अगर कॉल आ रहा है या फिर किसी का अगर मैसेज आ रहा है या फिर जो टर्न बाई टर्न नेविगेशन है उसका नोटिफिकेशन आपको ये छोटा सा ये जो पोर्शन है इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो कॉल अगर आती है तो कॉल सिग्नल जो ब्लिंक करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, अगर मैसेज आती है तो मैसेज सिग्नल आपको ब्लिंक करता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी सर्विस रिमाइंडर भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी आपके पास तो अगर इंटरकॉम है तो आप मैक्सिमम ब्लूटूथ को जो है आप यूज़ कर पाओगे वॉइस कमांड के थ्रू। साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल की सिग्नल, ABS की सिग्नल, ओके, और इंडिकेटर की सिग्नल आपको अंदर में ही देखने को मिल जाएगी। हाई बीम की सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और कुछ है आई थिंक, हाँ, इकोनॉमिकली आप अगर चलाओगे तो आपको यहाँ पे एक इको लाइट भी देखने को मिल जाएगी, इको इंडिकेशन भी आपको इसमें दिया गया है। और यहाँ पे तो स्विच दिया गया है, इस स्विच के बिना भी आप इधर से भी आप इसको टॉगल कर सकते हो, तो इधर से भी आप जो है इसको टॉगल कर सकते हो, मल्टीपल वे में जो है आप इसको टॉगल कर सकते हो। बाकी आपको दोस्तों ये न्यू 2024 होंडा हाइनेस सिविक 350 की डिलक्स प्रो क्रोम एडिशन देख के कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। इस बाइक की टेस्ट राइड अवेलेबल है, आप जरूर से जरूर इसकी टेस्ट राइड ले सकते हो। और मेरा हिसाब से आप अगर रॉयल एनफील्ड को परचेस करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप एक बार होंडा सिविक 350 या फिर होंडा हाइनेस सिविक 350 या फिर आपको थोड़ा सा अगर स्पोर्टी लुकिंग अगर बाइक चाहिए तो डेफिनेटली आप होंडा सिविक 350 RS को भी कंसीडर कर सकते हो। इसकी रियर में आपको 140 सेक्शन की टायर मिलती है और माइलेज वाइज भी डेफिनेटली कई गुना बेटर है आपका रॉयल एनफील्ड की बाइक से, और स्पेयर पार्ट्स ड्यूरेबल भी है। और आपका 2024 होंडा हाइनेस सिविक 350 के ऊपर क्या थॉट है आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।